एक ओर पैसा कानून और अन्य प्रयास करके शिवराज सरकार आदिवासी वोट को साधने में लगी हुई है, तो वहीं अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर बालाघाट मुख्यालय में आदिवासी महाकुंभ राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर आदिवासी समाज हुंकार भरने की तैयारी में है। 8 और 9 अप्रैल को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी समाज के दिग्गज पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और नेतृत्वकर्ता शामिल होंगे। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर बकायदा अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने आदिवासी समाज की अनदेखी और अधिकारों से वंचित रखने के चलते नाराजगी भी व्यक्त की। स्थापन की नीति, नक्सलाइट जो हमारे मसले हैं उसके लिए नीति जो नहीं बनी वो भी है कि भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है उसकी नीति भी स्पष्ट नहीं है। उसके भी बहुत सारे माफियाओं के द्वारा हनन किया जा रहा है संपत्तियों का। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको हमने इसमें समाहित किया है और इसमें 2 दिन का कार्यक्रम है जिसमें 4 सत्र हैं, जिसमें 5-5 बिंदु हम हर सत्र पे चर्चा होगी और उसका निराकरण और उसके लिए जो एक्शन प्लान है वो इस कार्यक्रम से बनाया जाएगा। उसका एक रेजोल्यूशन पास होगा जो राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। कार्यक्रम नूतन कला निकेतन में रखा गया है। अभी विस्थापन को लेकर क्या स्थिति है बालाघाट? विस्थापन को लेकर तो विस्थापन जितने भी जो अभ्यारण्य से हुआ है और जितने जो बड़े बड़े जो डैम बने हैं वहाँ के जो स्थापन हुआ, जो 10 लाख रुपए की जो नीति रही है, उस नीति का आज तक सर्वेक्षण नहीं हुआ कि वो परिवार किस हालत में है। और हमने तो जब निरीक्षण किया है तो आज बैगाव को जो 10-10 लाख दिया गया था उन्होंने तो उसमें तो कई तो उस पैसों का दुरुपयोग करके और बीच के जो दलाल थे उन लोगों ने फायदा उठाया और उस परिवार को आज भी वो हाशिए पे हैं और वो सड़क पे बैठे हुए हैं। और कईयों के तो जो उनका मैंने सही तरीके से उसका पैसों का इस्तेमाल नहीं किया तो अपनी गलत तरह से उनका यूज करके हाथ पैर तोड़वा लिए, कई तो खत्म हो गए एक्सीडेंट से और आज वो सड़क पे बैठे हुए हैं। ये है सरकार की नीति। कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर आदिवासी समाज का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम विभिन्न राज्य सरकारों के लिए चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, खासकर मध्य प्रदेश सरकार के लिए जहां आदिवासी समाज को साधने के लिए पैसा कानून लागू किया गया है। इसमें भी खामियां बताकर बाकायदा आदिवासी समुदाय सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।